जो लीनियर डाइफोटाइन इक्वेशन होती है वो इस फॉर्म में होती है, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। ये अगर लीनियर इक्वेशन है तो कोई भी इक्वेशन है इस फॉर्म में है, ए बी सी जहाँ पे इंटीजर्स हैं तीनों के तीनों, और ए क्या है नॉट इक्वल्स टू जीरो एंड बी नॉट इक्वल्स टू जीरो, देन कांड ये देन कॉल्ड लीनियर डाइफोफेंटीन इक्वेशन इन टू अननोन वेरिएबल्स एक्स एंड वाई। अब इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए देखिए, आप एक बार ना सॉल्यूशन तो आपको बताया है, जो भी इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है वो लीनियर डाइफोटाइन इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले कुछ रिजल्ट्स है, जैसे ये लीनियर डाइफोटाइन इक्वेशन है इसके जो सॉल्यूशन होंगे इफ एंड ओनली इफ जीसीडी ऑफ ए बी, अगर इन दोनों की जीसीडी जीसीडी ए बी की जो भी आती है अगर वो सी को डिवाइड कर जाए तो उस केस में सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। उसके बाद ये वाली थ्योरम का आपको रिजल्ट याद रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ए और बी अगर रिलेटिवली को प्राइम है एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट और वाई इज इक्वल टू वाई नॉट, कोई भी सॉल्यूशन है ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी का, देन ऑल सॉल्यूशन आर गिवन बाय दिस इज फॉर्म। ये हम यूज भी करेंगे भाई सेकंड क्वेश्चन में एक्सरसाइज के, ठीक है। तो ये आपको याद रखने हैं। अब मैं आपको एक्सरसाइज पे लेके चलती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का कि 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 1 कैन बी रिटन एज इन द फॉर्म, जो सॉल्यूशन है वो इस फॉर्म में लिखे जाएंगे y इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस 3 के, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया था, सबसे पहले आपको इसके साथ इसकी कंपेयरिंग करनी है कि फर्स्ट क्वेश्चन है भाई एक्सरसाइज का, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी होता है, और ए हमारे पास कितना है 3 है, बी कितना है 2 है, सी कितना है 1 है। ए और बी की जीसीडी 3 और 2 की जीसीडी 1 होगी, 1 1 को डिवाइड करेगा, सी को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। वो किस फॉर्म में होगा वो निकालना है। तो देखो सबसे पहले आपको जो गिवन सॉल्यूशन है ना वो इस फॉर्म में मिलेगा, ए एक्स कॉन्ग्रेंट बी सॉरी सी मोडुलो बी, ये याद रखना है भाई आपको, ठीक है। जो सॉल्यूशन होगा अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा तो वो इस फॉर्म में मिलेगा, कैसे, ए एक्स कॉन्ग्रेंट सी मोडुलो एम, ए क्या है आपके पास 3x कॉन्ग्रेंट सी क्या है 1 मोडुलो बी क्या है 2, इस फॉर्म में मिलेगा। अब मोडुलो 2 के कॉन्ग्रेंट कोई भी दूसरा नंबर निकाल लो, यहाँ पे भाई एक्सरसाइज में 5 है, ठीक है, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा यहाँ पे 5 आ जाएगा, मुझे 2 दिखाई दिया, ठीक है, 3x कॉन्ग्रेंट मोडुलो 5, ठीक है। अब यहाँ x ये जो है कि कॉन्ग्रेंट, इसके मैं क्या लिखूँ 0 कॉन्ग्रेंट, ताकि दोनों को ऐड करते x की वैल्यू आ जाएगी, तो मोडुलो 5 पे देखो 3 दूनी 6 हो जाएंगी, तो 5 रख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो दोनों को ऐड कर दो 3x इज इक्वल टू 6 मोडुलो 6 5, ठीक है। अब ध्यान रखना 3 तभी कैंसिल होता है, 3 से तभी डिवाइड किया जाता है जब इन दोनों की जीसीडी 3 और 5 की जीसीडी 1 हो, हमेशा मत कर देना कहीं, हमेशा इसको डिवाइड कर दो। तो x कॉन्ग्रेंट हो गया 2 मोडुलो 5 की, ये सॉल्यूशन आ गया। तो मुझे यहाँ से बता सकते हो x की वैल्यू किस फॉर्म में होगी, 2 प्लस 5 के की फॉर्म में होगी, ठीक है, और y की वैल्यू बताना 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 1 है, तो y क्या आ जाएगा यहाँ से 5y क्या आ जाएगा 1 माइनस 3x, 1 माइनस 3 इंटू 2 प्लस 5 के, ठीक है, 1 माइनस 6 माइनस 15 के, तो y कितना आ गया यहाँ से 5y इज इक्वल्स टू माइनस 5 माइनस 15 के, y कितना आ गया माइनस 3 माइनस 5 के सॉरी माइनस 1, ठीक है, ये आ गया, यही आपको दिखाना था इस केस में, ठीक है भाई। नेक्स्ट देखिए, सेकंड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है और थोड़ा सा डिफरेंट भी है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिए। क्या है, लीनियर डाइफोटाइन इक्वेशन के पास सॉल्यूशन होगा, फाइंड ऑल सॉल्यूशन इन पॉजिटिव इंटीजर्स इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग 97x प्लस 98y इज इक्वल टू, थोड़ा सा लेंदी भी है, 1000 सेकंड क्वेश्चन है। तो इसको देखो सबसे पहले तो कंपेयरिंग करनी है, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, ए कितना है यहाँ पे 97, बी कितना है 98 और सी कितना है यहाँ पे 1000, ठीक है। ए और बी की जीसीडी 97 और 98 की जीसीडी कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, ठीक है, 1000 को डिवाइड करेगी, ये तो थी सिंपल सी बात है, सॉल्यूशन होगा इसका। अब इसको हमें किस फॉर्म में लिखना है, मैं इसको लिख सकती हूँ 97x प्लस 97y प्लस y और इज इक्वल टू, इसको भी 97 के उसमें लिख लो भाई, मल्टीपल में लिख सकते हैं इसको 970 प्लस 30 97, ठीक है। अब ये क्या आ गया, मैं देखो इसको लिखती हूँ y प्लस 97 तो कॉमन आ गया, x प्लस y माइनस 10 अगर इनकी बात करें तो, ठीक है, और इज इक्वल टू 30, y प्लस 97 जेड रखा मैंने इसको, जहाँ पे जेड की वैल्यू बताओ भाई, एक्स प्लस वाई माइनस 10 जेड इज इक्वल टू, ठीक है, ध्यान से देखना भाई, ओके ओके। अब देखिए मैं यहाँ से ना कुछ वैल्यूज निकालने की कोशिश करती हूँ, द कोफिशेंट ऑफ वाई कितना है 1
और बी कितना है 97, तो इन दोनों की जीसीडी 130 को डिवाइड करता है, यानी कि यहाँ पे भी हम कुछ वेरिएबल्स का ये सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। लेट अस टेक, अब यहाँ से मुझे वैल्यू निकालनी है, तो मैंने जेड को जीरो लिया तो वाई कितना आ जाएगा 30, जब मैंने वाई को जीरो लिया तो जेड कितना आ जाएगा, जब मैंने वाई को 30 लिया तो वाई को जीरो टेक किया, वेरिएबल जेड को मैंने जीरो किया तो आपके पास कितना आ गया, चलो इसको रहने दो, इसकी ज़रूरत नहीं है, वाई जब हमने जेड को जीरो किया तो वाई 30 आ गया, ठीक है। अब जेड को जरा जीरो और वाई को 30, जेड की एक्चुअल वैल्यू क्या है, एक्स प्लस वाई माइनस 10, तो जेड को जीरो करो और वाई को 30 माइनस 10, यहाँ से एक्स कितना आ गया भाई, एक्स आ गया आपके पास माइनस 20, ठीक है, और वाई कितना है 30, यानी कि एक तरह से देखा जाए तो एक्स नोट की वैल्यू कितनी आ गई माइनस 20 और वाई नोट की कितनी आ गई 30, एक तरह से सॉल्यूशन हो गया ना एक्स और वाई का, ठीक है भाई। अब मुझे ये बताओ ऑल सॉल्यूशन किस फॉर्म में होंगे, अभी मैंने आपको थ्योरम बताई थी कि उसका रिजल्ट याद रखना है, इसके ऑल सॉल्यूशन ऑफ द फॉर्म किस फॉर्म में होंगे भाई, एक्स इज इक्वल टू एक्स नोट प्लस के बी और वाई इज इक्वल टू वाई नोट माइनस के ए, ध्यान रखना भाई, ठीक है, सॉल्यूशन इस फॉर्म में होंगे आपके पास। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो किस फॉर्म में होगा, x इज इक्वल टू एक्स नोट कितना है माइनस 20 प्लस 98 के, वाई कितना हो जाएगा 30 माइनस 97 के, ए कितना है ये, ठीक है, ए और बी आपके पास एक्चुअल में थे। फोर ऑल फोर सॉल्यूशन इन पॉजिटिव इंटीजर्स, अगर सॉल्यूशन आपके पॉजिटिव इंटीजर में होंगे तो x भी जीरो से बड़ा और y भी, ये ध्यान रखना भाई, आपसे पूछा ये गया है कि x ग्रेटर देन जीरो और y ग्रेटर देन जीरो, इसका मतलब कि क्या है कि माइनस 20 और प्लस 98 इंटू के ये भी ग्रेटर देन जीरो, 30 माइनस 97 माइनस इंटू के ग्रेटर देन जीरो, यहाँ से मुझे बताओ k की वैल्यू क्या आ गई ग्रेटर देन 20 बाई 98 और k क्या आ गया ग्रेटर देन 30 बाई 97, सॉरी लेस देन आ जाएगा, ये तो नेगेटिव है ना, ठीक है, ये आ गया आपके पास। अब देखो यहाँ से ध्यान से देखना, अगर मेरी k की वैल्यू ये है तो अप्रोक्स इसको हम क्या लिख सकते हैं, k आपका 0. डिवाइड करके देखना 2 और ये 0.3 के अप्रोक्स वैल्यू बता रही हूँ, यानी कि 0.2 लेस देन k लेस देन 0.3, तो मुझे बता सकते हो k क्या था, कोई इंटीजर था भाई। अब मुझे एक इंटीजर की वैल्यू बताओ जो 0.2 और 0.3 के बीच में है, नहीं है कोई भी इंटीजर, ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं होगा। लेकिन सॉल्यूशन किस केस में नहीं होगा, पॉजिटिव टर्म में नहीं होगा, पॉजिटिव इंटीजर्स की फॉर्म में, ध्यान रखना, क्योंकि हमने लीनियर डायफोटाइन इक्वेशन के बारे में स्टार्टिंग में बोला था कि अगर ऐसा होता है तो उस केस में सॉल्यूशन तो एग्जिस्ट करेगा, लेकिन किसके, अब ये क्यों दिखा दिया हमने कि भाई हमारा सॉल्यूशन ये पॉजिटिव टर्म इंटीजर्स में नहीं आया, जब एक्स और वाई जीरो से बड़े हैं, जब एक्स वाई लेस देन या नेगेटिव के फॉर्म में आपके पास सॉल्यूशन जरूर एग्जिस्ट होगा, तो हमें सिर्फ पॉजिटिव के बारे में बताना था। नेक्स्ट 3 से लेके 6 तक भी आपके पास यही है, ठीक है, सेकंड थर्ड और फोर्थ फिफ्थ क्वेश्चन यही है आपके पास, तो इसका जो सेकंड का सेकंड पार्ट है वो भी सेम है आपका, डिवाइड करेगा और सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, तो कुछ एक में तो यही होगा कि सॉल्यूशन ही नहीं होगा, तो आगे हमें पॉजिटिव के बारे में तो सोचना ही नहीं है, ठीक है, तो इनके बाकी जो पार्ट्स रह गए एक बार मैं बता देती हूँ, इस पार्ट में भी सॉल्यूशन नहीं होगा और इसमें भी नहीं होगा, क्योंकि 12 और 20 की जीसीडी को डिवाइड नहीं करेगी, 12 और 501 की जीसीडी को डिवाइड नहीं करेगी, ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा थर्ड क्वेश्चन है जो आपका, वो भी सेम है आपका इसी फॉर्म में, बिल्कुल डिट्टो, ठीक है भाई, कर लोगे ना, बिल्कुल एज इट इज है, तो मैं एक बार इसका हिंट दे देती हूँ, थर्ड का फर्स्ट जो 5x कितना है आपके पास, 5x प्लस 11y इज इक्वल टू 92, 5 और 11 की जीसीडी 1 होगी और 192 को डिवाइड कर जाएगा, तो ये था सिंपल सा लॉजिक इसका सॉल्यूशन होगा, ठीक है, उस केस में अब इसको रीराइट करना है कैसे भाई, ax कोंग्रेंट c मोडुलो b, ये मैंने बताया था आपको, ये जरूर याद रखना है, तो 5x कोंग्रेंट क्या हो जाएगा 92 मोडुलो 11, ठीक है भाई, उसके बाद क्या लिखोगे इसमें कि आपको बताना है x की वैल्यू 0 कोंग्रेंट मोडुलो 11 कि इसमें कितना ऐड करें कि 5 से डिवाइड हो जाए, तो देखो 11 कर सकते हो, 11 करोगे 92 है ना, 5 से डिवाइड होना चाहिए आपका, तो यहाँ पे 5 से हो जाएगा भाई, देखो
सब्ट्रैक्टिंग करो चाहे एडिंग करो, तो अगर मैं इसमें ये कहूँ कि 22 को घटा दो तो मेरे हिसाब से कुछ हो जाए। अब इनको घटा दो, 5x माइनस 0 5x और ये हो जाएगा 70 मोडुलो 11 पे। तो x कितने के कॉन्ग्रुएंट हो गया भाई, 14 मोडुलो 11। एक बात का ध्यान रखना है, 5 और 11 की GCD 1 है, इसलिए मैंने 5 से डिवाइड किया, ऐसा भी आपको मेंशन करना है। 5 है भाई, ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ से x और y की वैल्यू बतानी है। x किस फॉर्म में होगा आपका, 14 प्लस किस फॉर्म में होगा, 11 के। और y की वैल्यू आप वहाँ से निकाल सकते हो, 11y इज इक्वल टू यहाँ से 92 माइनस 5 इंटू एक्स क्या है, 14 प्लस 11 के, ठीक है भाई। अब x और y ऑल इंटीजर्स की फॉर्म आ गए, x और y की वैल्यू आने के बाद ये भी ग्रेटर देन जीरो और ये भी ग्रेटर देन जीरो। क्यों भाई, क्योंकि आप सॉल्यूशन जो निकाल रहे, इसने बोला है कि जो सारे सॉल्यूशन है ना इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर में निकालने हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है हमें, ठीक है। तो यहां से आप k की वैल्यू निकाल देना, अगर k की वैल्यू इंटीजर की वैल्यू लाई करे, जैसे कि इसमें मैं आगे करूं इसको, तो भाई 14 जमा 11 के ग्रेटर देन जीरो और दूसरा वाई क्या आया हमारे पास, 5 के ग्रेटर, तो ये आ गया 11 के ग्रेटर देन माइनस 14 के ग्रेटर देन माइनस 14 बाई 11, ठीक है, माइनस 14 बाई 11। और इधर से क्या आ जाएगा, माइनस 5 के और आपका क्या आ जाएगा, लेस देन 2, और के कितना आ जाएगा, लेस देन 2 बाई 5। तो मुझे ये बताओ माइनस 14.15 से ग्रेटर के की वैल्यू और आपके पास है 2.5, तो इसके बीच में बतानी, यानी कि ये होगा आपके पास मुश्किल से माइनस, ये जीरो हो गया 15 एक पे तो गया नहीं, तो 0.8 ऐसा कुछ मिलेगा, यानी कि नेगेटिव इस साइड मिलेगा आपको, है ना। और फिर 0.4, तो ये 1 से इधर ही लगा लो, तो इन दोनों के बीच में कौन सी इंटीजर की वैल्यू लाई करी, के इज इक्वल टू 0। तो इसके लिए आप सॉल्यूशन बता दोगे, जो एक्स वाई की वैल्यू है ना उनमें के को जीरो पुट कर दो, वही आपके एक्स वाई की वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। तो ये 7 तक क्वेश्चन है, ये इसके पार्ट्स जो हैं वो बिल्कुल डिक्टो है, आपको सारी वैल्यूज लिखनी है, कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ और सिर्फ जैसे पहले वाला जो क्वेश्चन था ना वो थोड़ा सा लार्ज था, मैंने 97 इंटू किया था, ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, 15x + 7y इज इक्वल टू दिस, इसमें सिंपल करना है आपको, x और y की वैल्यू निकालो, ग्रेटर देन जीरो रखो और पॉजिटिव इंटीजर्स के सॉल्यूशन आ जाएंगे, अगर कोई वैल्यू एग्जिस्ट करती है तो, ठीक है भाई। नेक्स्ट सेम ये वाला क्वेश्चन आपका 40x, ठीक है, प्लस इसके भी आपको ऐसे ही सॉल्यूशन निकालने हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिक्कत आ सकती है, क्योंकि इसमें जैसे 63 बहुत बड़ा हो गया, लेकिन आप करने को उसी तरीके से कर सकते हो, ज़्यादा जरूरी नहीं कि बड़ा हो गया तो भाई, ठीक है, एक बार करके देखना और मुझे बताना, अगर नहीं हुआ तो छठा और सातवां क्वेश्चन तो बिल्कुल ही सिंपल रहेगा, ठीक है। बस आपको दिक्कत कहाँ आएगी, जब हम x की वैल्यू निकालते हैं ना, ax कॉन्ग्रुएंट c मोडुलो b, तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी उसको अगर बड़ी होगी तो बड़ी वैल्यू मांगेगी भाई, ठीक है। मोडुलो जैसे मोडुलो के अंदर 10 मोडुलो बी होगा ना, तो 101 होगा, अब 101 को देखना पड़ेगा, है ना, कितना नंबर ऐड करें, तो वो थोड़ा सोचने वाली बात है, वरना सबके सेम फॉर्मेट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8th क्वेश्चन, देखिए 8th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम, तो 8th क्वेश्चन में हमारा क्या है कि हमारा सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है नहीं करता, उस केस में हमें बताना है, ठीक है। तो x और y की यानी कि वैल्यू ही हमें बतानी है इंटीजर्स की फॉर्म में, x और y की वैल्यू, तो यहाँ पे आप, हाँ भाई 8th क्वेश्चन देखिए, अब जो सॉल्यूशन है वो आप किसके निकालने हैं, इसमें 775x - 77711 = 1, ठीक है, इसके सॉल्यूशन निकालने हैं। तो कैसे करोगे आप इसको भी, सेम हेयर हम जो करते आ रहे हैं, ए एक्स सबसे पहले देखेंगे, 775 और 711 की GCD है 1 होगी, वो सी को डिवाइड करेगी, ठीक है, सॉल्यूशन तो इसका होगा लेकिन वो हमें निकालना है, ओके। तो देखो भाई, ए एक्स कॉन्ग्रुएंट सी मोडुलो बी है ना, तो ये बहुत बड़ा हो गया, 775 तो ए है, ठीक है भाई, एक्स कॉन्ग्रुएंट सी 1 है और मोडुलो, या तो एक तरीका है कि कुछ भी करो ताकि इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करो तो x की वैल्यू आ जाए, ये तरीका है। दूसरा तरीका, इसको छोड़, क्योंकि लार्ज वैल्यू है तो इसको इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं 775 एम
प्लस 711 एन इज इक्वल टू 1, क्योंकि इन दोनों की जीसीडी याद है ना, किसी भी दो नंबर की अगर जीसीडी 1 है तो ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू 1 होता है। ये x और y हमें निकालने, कोई भी दो नंबर है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे m और n निकालने, ये मैंने आपको एक शायद तरीका बताया था अभी, 775 को अंदर रखो, 711 को बाहर, एक पे जाएगा है ना 4, 6, 64 आगे और 711, तो कितने पे जाएगा अभी ये 64, तो 711 ये जाएगा 6 पे, 6 × 24, ये पहले तो एक पे जाएगा ना भाई, पहले कितने पे जाएगा एक पे 64, 4 गए ठीक है और 1, फिर उसके बाद कितने पे जाएगा, एक मिनट, हाँ भाई फिर कितने पे जाएगा, फिर 1 पे जाएगा, तो 64, 7 बचे, तो 64 कितने पे जाएगा, 7 × 63, 1 पे और 1 × 7 = 7 है ना, ऐसे ही बताया था। अब देखो हम इनको लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने 775 को लिखा, 775 को कैसे लिखोगे, इज इक्वल टू 711 और कितने पे गया 1 पे, डॉट 1 लगाया 64। उसके बाद हमने अंदर वाले को, 7 अंदर वालों को लिखना है, 64 × 11 ठीक है, और प्लस के 7। उसके बाद हमने 64 को लिखा 7 × 9 + 1 ठीक है, और फिर हमने 1 × 7 ठीक है, या 7 × 1 + 0, तो जस्ट इससे ऊपर वाला जो नंबर होता है वो जीसीडी होता है ना, बताया था मैंने पहले भी। तो 1 की वैल्यू बताओ भी मुझे, 64.1, यहाँ पे डॉट 1 लगा सकते हैं, -7.9 ठीक है। अब जस्ट आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, 9 की निकालनी है ठीक है, 7.9 हो गया ठीक है। अब हमें किसकी निकालनी है भाई, 7 की, जस्ट इससे ऊपर 7 की मिलेगी आपको, 7 की रख दो यहाँ पे, 64.1 − 9 × 7 की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, 711 − 64 × 11 ठीक है, ये आ गई। अब इसको थोड़ा सा सोल्व कर दो, 64 × 1 और −711.9 ठीक है, या 9 डॉट करके कर दो, −64 × कितना आ गया, 11 × 99। अगर 1 हो ना तो वहाँ पे सीधा 9 × 1 = 9 हो जाता है ठीक है, और ये 11 × 99 हो गए ठीक है। अब क्या आ जाएगा आपके पास, 64 कितने हो गए टोटल, अब ऐसे ऐड हो जाते हैं भाई, 100 − 9.711 ठीक है, ये आ गया आपके पास। अब यहाँ से हमें किसकी वैल्यू चाहिएगी, 64 की है ना, 64 की वैल्यू बताओ भाई क्या है, 64 की वैल्यू है आपके पास 775 − 711.1 × 60 × 100, 64 की वैल्यू रख दी 100 है, −9 × 711। अब देखो 775.100 − 700 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 100 ही रहेंगे, −9.711, तो कितने हो गए ये टोटल डॉट, 100 तो यहाँ रहे और ये रहे 9, यानी कि 109, ये हो गए 775 के साथ तो 100 ठीक है, और −109 के 711 ठीक है, ये हो गए। अब मुझे जो आपके नंबर है वो सिलेक्ट कर लो, आपके नंबर है 775 और 711, इनको छोड़कर जो नंबर रह गए ना वो आपके क्या है, m और n है ठीक है। तो आपको पता है 775 x कोंग्रेंट आपका 100 मोडुलो 775 और मोडुलो 711 दोनों के हैं भाई ठीक है। यहाँ से हम बता सकते हैं कि ये इसके भी कोंग्रेंट मिलेगा और इसके भी कोंग्रेंट मिलेगा आपको ठीक है, मोडुलो 711 के भी और 75 के भी 100 वाला। अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं हम, तो x जो है वो कोंग्रेंट हो गया आपका किसके, 100 मोडुलो, एक मिनट भाई यहाँ पे लिखोगे मोडुलो नहीं आएगा, मोडुलो 711, देखो दोबारा से बताती हूँ, 775x कोंग्रेंट हो गया ये वाला नंबर और आपका ये दोनों नंबर ठीक है, इनके कोंग्रेंट होगा ये जो होता है ना ax प्लस बी वाई, तो यहाँ पे b की y जो आया है वो −109 आया ठीक है, लेकिन हमने इसका कंसेप्ट नहीं उठाया क्योंकि ये 775 का मल्टीपल था, हमारा ax कोंग्रेंट c था ना मोडुलो, तो वहाँ पे 775 आ रहा था, हमने ये वाला उठा लिया, तो 100 × this और मोडुलो कितना आ जाएगा 711 ठीक है, लिख सकते हैं इसको।
अब देखिए यहाँ से 775 तो उड़ जाएगा क्योंकि दोनों में है, तो कितना आ गया एक्स कॉन्ग्रेंट ही आ गया आपका मॉडुलो 11 पे। तो एक्स की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 100 प्लस 711 के। तो वाई निकाल देना जो इक्वेशन में दे रखी थी वहाँ से वाई आ जाएगा। ठीक है, एक बात ध्यान रखना, इसका जो जनरल सॉल्यूशन है वो तो ठीक है, लेकिन लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल, तो वहाँ पे आपको लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल में हमें मिनिमम से मिनिमम के की वैल्यू 0 रखनी है, वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो सारे क्वेश्चंस ऐसे ही हैं एक्सरसाइज के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट में भी आपको यही करना है, जनरल सॉल्यूशन इन पॉजिटिव इंटीजर्स, दोनों ही केसेस में निकालना है पॉजिटिव इंटीजर्स की फॉर्म में भी। तो इंटीजर्स की फॉर्म में मैंने बताया था, जनरल बता दो पहले, इंटीजर्स के लिए जो आपके एक्स और वाई हैं वो ग्रेटर देन जीरो, के की वैल्यू अगर बिटवीन कोई भी पॉजिटिव इंटीजर लाई करता है तो पॉजिटिव इंटीजर्स की फॉर्म में हो जाएंगे एक्स ग्रेटर देन जीरो और वाई ग्रेटर देन जीरो के लिए सॉल्यूशन, अदरवाइज नहीं होंगे। ठीक है, कोई भी एग्जाम्पल इसमें से रहता है तो आप मुझे बता सकते हो। कल हम लोग ये वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, फोर्थ चैप्टर। ठीक है, फोर्थ और फिफ्थ में से एक यूनिट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड में से एक यूनिट थी, मैंने करा दी। ठीक है, आयलर फंक्शन, तो देखिए मैं थोड़ा सा आपको बेसिक बता देती हूँ इसका। आयलर फंक्शन क्या होता है, एक नया फंक्शन पढ़ेंगे, आयलर फंक्शन बोलेंगे जिसको, आयलर फंक्शन होता है फाइव एन। ठीक है भाई, फाइव एन से रिप्रेजेंट करेंगे, फोर ऑल पॉजिटिव इंटीजर एन इज डिफाइंड एज फाइव एन इज इक्वल टू वन, फोर एन इज इक्वल टू वन एंड एन ग्रेटर देन वन, फाइव एन द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर लेस देन एन एंड को प्राइम टू एन। ध्यान रखना भाई, फाइव एन के अंदर सबसे पहली बात तो फाइव एन यानी कि अगर एन वन है तो याद रखना है वन होगी इसकी वैल्यू, और जब n की वैल्यू एक से बड़ी है, कई बार डिफाइन करना था आयलर फंक्शन डिफाइन करो, लेकिन आपको तो कंपलसरी तो कौन करेगा। ठीक है, n ग्रेटर देन वन के लिए आपको क्या करना है कि फाइव एन क्या होगा, नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन n, किससे लेस रहेंगे, n से लेस, और क्या रहेंगे, को प्राइम टू n, को प्राइम टू n। फॉर एग्जाम्पल फाइव टू है, फाइव टू तो दो से कम, को प्राइम तो है ही नहीं हमारे पास, क्या सिर्फ कितना नंबर है, एक ही है, एक ही होगा। ठीक है, फाइव थ्री नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स कितने हो गए, वन टू थ्री, को प्राइम भी हो थ्री के तो कितने हो गए, वन और टू को प्राइम है थ्री के, खुद नंबर नहीं लिखना भाई। ठीक है, फाइव एट निकालना है, मान लो आपको फाइव एट निकालना है, अब कितने हो गए इसके को प्राइम पॉजिटिव, एक हो गया, दो के साथ इसकी जीसीडी क्या होगी, दो हो जाएगी, नहीं मतलब को प्राइम का मीनिंग है कि वो नंबर आपको सेलेक्ट करने हैं जिसके साथ इनकी जीसीडी क्या हो जाए, वन हो जाए, तो थ्री हो जाएगा, फाइव हो जाएगा और सेवन, तो कितना हो गया, फाइव एट की वैल्यू बताना भाई, फोर हो गई, इनको काउंट करके लिख देना, वन टू थ्री फोर, समझ में आ गया। ये है मल्टीप्लीकेटिव फंक्शन, एफ ओफ ए बी इज इक्वल टू एफ ओफ ए इंटू एफ ओ बी। ठीक है, सम फंक्शंस थोरम्स ऑन फाइव फंक्शन, ये थोरम है फाइव पी के, फाइव के पी के, पी कोई प्राइम नंबर है, के कोई पॉजिटिव इंटीजर है, तो आप इस फॉर्म में उसको लिख पाओगे। यहाँ इसको प्रूव कैसे करना है कि एस कोई सेट लेना है वन से लेके पी की पावर के, एस के पास पी की पावर के एलिमेंट्स हैं, यहाँ से ध्यान से देखना, द नंबर विच आर डिविजुअल बाई पी इन सेट पी आर दिस, तो टोटल जो नंबर हैं पी से डिवाइड होने वाले वो क्या हो जाएंगे भाई, पी के मल्टीपल। अब देखो वन टू थ्री पी की पावर के, तो मैं इनको पी से गुणा कर दूं तो ये पी से डिवाइड हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे, दीज आर पी के माइनस वन, पी के को नहीं लिया भाई इसने, थोड़ा सा ध्यान रखो, क्योंकि पी के जैसे ही हम लेंगे और पी के को अगर मैं पी से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा पी के प्लस वन, और पी के प्लस वन तो सेट के अंदर है ही नहीं, कितने टर्म्स है, सिर्फ पी के, तो इसलिए इसने क्या किया, सिर्फ पी के माइनस वन को ही पी से मल्टीप्लाई किया, लास्ट टर्म हमने नहीं ली, तो इसने लिखा कि पी के माइनस वन इन ऑल एंड दीज नंबर आर नॉट रिलेटिव टू प्राइम पी के। अब ये ध्यान रखो, ये क्या ये पी के प्राइम है, नहीं है, क्योंकि पी इसमें है तो पीजीसीडी मिलेगी। ठीक है, तो फाइव पीके क्या होता है, नंबर ऑफ इंटीजर्स इन एस विच आर रिलेटिवली प्राइम टू पीके। ठीक है, तो क्या हो जाएंगे वो, पीके माइनस वन। ठीक है, टोटल कितने थे, पीके और पीके माइनस वन उसके साथ रिलेटिवली प्राइम नहीं थे, तो उनको हटा दो, बाकी जो बचेंगे वो क्या रहेंगे, रिलेटिवली प्राइम रहेंगे, ये मीनिंग है इन दोनों का, तो ये कॉमन आ गया। ठीक है, ये कोई भी एग्जांपल लेके आप इसको जस्टिफाई कर सकते हो, पी कोई भी प्राइम नंबर होता है तो फाइव पी आपका हमेशा क्या होता है, पी माइनस वन होता है। अगर आपसे ये पूछा जाए ना फाइव इलेवन, तो इलेवन एक प्राइम नंबर है भाई, तो फाइव इलेवन की वैल्यू क्या होगी, टेन आएगी हमेशा, करके देख लेना चाहिए। ठीक है, इसके तो ये है आपका नेक्स्ट थ्योरम है कि आयलर फंक्शन होता है, मल्टीप्लीकेटिव होता है, तो ये हम कल देखेंगे। ठीक है भाई स्टूडेंट्स, थैंक।